हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विटी लव। सो आज हम जा रहे हैं सर के साथ एम्बियंस मॉल, बट सर अभी यहाँ पे है नहीं। और हमारा प्लान वैसे यही है कि हम डायरेक्ट सर को एम्बियंस मॉल मिलेंगे और सर भी डायरेक्ट अपने घर से एम्बियंस मॉल आ जाएंगे। एंड लेट्स सी अभी क्या पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 6:30। अगर सर ज़्यादा लेट नहीं हुए तो सर हमें यहीं से ही पिकअप करेंगे। अदरवाइज़ हमारा यही प्लान है फाइनल, तो कि लेट हो रहा होगा तो हम वहाँ पर जाएंगे। बाकी मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ आपकी विशेज़ के लिए, आपके लव के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, जो भी आपने हमारे चैनल पे अभी तक दिया है उसके लिए। और आपको हमारी एंगेजमेंट की व्लॉग्स वीडियोस भी मिलेंगे और हमारी एंगेजमेंट सेलिब्रेशन की व्लॉग्स भी मिलेंगे यूट्यूब के हमारे चैनल पे। अब हम जा रहे हैं रेडी होने के लिए और अब हम आपसे मिलेंगे रेडी होने की बात। बाय शे, बाय बाय। सर की गाड़ी अटक गई येलो टी शर्ट पे एज यूजुअल, और यूएस पोलो की। दैट इज सो इरिटेटिंग फॉर मी एज यूजुअल। टू आवर्स लेटर। फाइनली एम्बियंस का हल्दीराम ओपन हो गया है, जो कि लास्ट टाइम ओपन नहीं था जब मैं आई थी और लावण्या को लेके आई थी मैं। और यहाँ पे हल्दीराम में मैंने जो आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, आप खोलो, जो मैंने आज तक कभी नहीं देखा वो रूप हल्दीराम में देखने को मिला। आज दो दो बार लड़ाई हो गई थी कस्टमर के साथ और सर वहाँ पे खड़े हुए थे, तो सर ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि उस लड़ाई का रीज़न क्या था और मतलब इतना ज्यादा शाउट वगैरह लोग करने लग गए थे। सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि वहाँ चल क्या रहा था? कुछ नहीं था वहाँ, कुछ नहीं था वहाँ पे, बस वो लेट हो रहे थे इसलिए एक कस्टमर कहने लगा कि जल्दी तो खाना, जल्दी खाना दो, मतलब कि सर्विस में डिले था, ये कहना चाहते हो आप? अच्छा, और दो बार ऐसा हुआ, एक बार तो एक लेडी शाउट करी थी और एक बार एक एज्ड अंकल थे, उन्होंने वो चिल्लाने लग गए थे कि मतलब मुझे तो पता नहीं था हम दूर बैठे हुए थे। बाकी हम बेसिकली एम्बियंस मॉल इसीलिए गए थे, उसके दो रीज़न हैं कि एक तो सर को हल्दीराम में रिनोवेशन चल रहा था जब हम लास्ट टाइम आए थे और हमको बहुत दिन से पाव भाजी खानी थी, इसीलिए हमने हल्दीराम का जाने का सोचा। दूसरा रीजन ये था, बाकी हमने वाला में एनर्जी आ गई। हमारी आज का जो शुरुआत हुई थी ना मेरी और लावण्या की, वो हुई लड़ाई से थी,
क्योंकि जिस ऑटो में भी हम बैठे थे ना वो ऑटो वाला आगे आओ मम्मा के पास। जो हमारी शुरुआत हुई थी ना वही लड़ाई से हुई थी। लड़ाई ना सेंस ये नहीं कि बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट हुआ था या मेरा किसी से आर्ग्यूमेंट हुआ था, बट एक हम्बल रिक्वेस्ट मैं हर एक सर्विस पर्सन से करना चाहती हूँ जो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, चाहे वो कोई पुलिसमैन हो, चाहे वो ऑटो वाले भैया हो, व्होएवर इट इज। ठीक है, अगर आप किसी तरीके का भी प्रोफेशन कर रहे हो या किसी भी तरीके का वर्क कर रहे हो और उस वर्क पे आप आए हो तो उसके रिस्पेक्ट करना सीखो। ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम ऑटो में बैठे और मतलब एक पुलिस वाले अंकल ने ऑटो रोका तो उस भैया ने ये बोला कि मैं इस साइड मोड़ूंगा, उन्हें पता था कि उनको सीधा जाना है। तो हमारा ऑटो आगे निकला, मतलब कुछ मीटर ही आगे गया और उसके बाद एकदम से वो उस पुलिस वाले अंकल ने हमारा ऑटो रोका और उसने उसका बहुत ज्यादा अब्यूज लैंग्वेज यूज की ऑटो वाले भैया को और ये बोला कि जब मैं तुझे रोक रहा था तो क्यों नहीं रुका। अरे यार सिंपल सी चीज है, जब वो भैया बोल रहा है कि वो भैया जा ही नहीं रहा है तो इस तरीके की अब्यूज लैंग्वेज यूज करने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता था। और जब तुम इतना कमा रहे हो तो तुम खुद पैसे दो, ऑटो करो, जो मर्जी बाइक वगैरह सब कुछ चल रहा है आजकल, तो ओला उबर एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो तुम पैसा दो और तुम जाओ, तुम किसी पर रोक क्यों झाड़ते हो। तो वो एक बहुत नेगेटिव चीज है कि इंसान कमाने के बाद भी दूसरे पे ऐसे रोब जमाता है जैसे उसी के लिए वो ऑटो वाला चल रहा हो वहाँ पे, तो ये गलत चीज है। मैं इसीलिए सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि इस तरीके का बिहेवियर हमें शो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो ऑटो चला रहे हैं दैट डजंट मेक सेंस कि वो आप ही के लिए चला रहे हैं। आप पैसा दो वो आपको भी सर्विस प्रोवाइड करेंगे और वो मना भी नहीं करता। मुझे पता है ये थोड़ा सा एक डर होता है उनके अंदर पुलिस वालों का, बट उसे पता था कि रूट अलग है, इसीलिए उस भैया ने बोला था कि भाई मैं वहाँ नहीं जा रहा। तो ये एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहती थी। और बाकी मैंने उस टाइम ये क्लिप इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ऑटो में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आता ना, बाहर का शोर आता, तो आपको मेरी बात समझ नहीं आती, दैट्स व्हाई मैंने ये क्लिप अब बनाया।